दोस्तों सुमन गिल बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 92 के स्कोर पर वो आउट हो गए। दिलशान निशंका ने 30वें ओवर के अंतिम गेंद पर सुमन गिल को बाउंसर लगाकर सीधा कीपर के हाथों कैच दिवा बैठे। सुमन गिल अंतिम में काफ़ी निराश देखे, क्योंकि वो अपने शतक से चूक गए। इस प्रकार सुमन गिल की पारी वहीं पे समाप्त हुई। सुमन गिल ने टोटल 91 गेंद में 92 रन की पारी खेली थी। जब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सुमन गिल ने और विराट कोहली ने आके पारी को संभाला और बीच में काफ़ी लंबी पार्टनरशिप की, और अंतिम में जाकर सुमन गिल का यह विकेट ब्रेक थ्रू मिला, श्रीलंका को वापसी करने का मौका मिला। सुमन गिल एक शतक से फिर से चूक गए, आशा है कि लेकिन आउट होने के बाद ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने टीम के लिए अपना कार्य कर चुके थे और बाकी का कार्य अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन करते हैं। लेकिन सुमन गिल अपने शतक से चूक गए, इसके लिए वो बहुत नाखुश दिखे। दोस्तों आपको क्या लगता है, सुमन गिल को